फ्रेंड्स, ये राइटिंग टैबलेट मैंने अमेजोन से मंगाया है। आपको इसे ऑनलाइन ख़रीदना है या इसके जैसे ही और टैबलेट देखने हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इसे सस्ते में ऑनलाइन ख़रीद भी सकते हैं और इस जैसे और टैबलेट देख भी सकते हैं। ये एक पतला सा स्लेट की साइज का 8.5 इंच का राइटिंग टैबलेट है। इसमें ये लॉक बटन है, इसे अगर हम ऑन कर देंगे तो फिर जो हमने लिखा है उसे इरेज बटन प्रेस करने पर भी इरेज नहीं कर पाएंगे। और ये इसके साथ एक राइट करने का पेन आता है। इसे या इस तरह के किसी भी पेन से हम इस पे आराम से लिख सकते हैं। ये इरेज बटन है, इसे प्रेस करने से ये इरेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ इसमें इसका सेल लगता है। अगर हम सेल को हटा देंगे तो हम जो भी इस पर लिखेंगे फिर उसे इरेज नहीं कर सकते। इरेज करने के लिए हमें सेल की आवश्यकता जरूर है। ये सेल इसमें करीब 2 साल तक चलता है। ये डिवाइस प्रेशर सेंसिटिव LCD डिस्प्ले का बना होता है। बच्चों को गिफ्ट देने के लिए ये बहुत अच्छा है। इस पर आप ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, अपने काम के कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक तरह से ये हमारे लिए रफ कॉपी का काम कर सकता है। अमेजोन पर इसकी बहुत सी वैरायटी है। वहाँ आप इसे मेरे लिंक से जाकर वहाँ आपको ये 147 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। मैंने कुछ मॉडल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से इन्हें ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। LCD राइटिंग टैब पर बॉल का एनिमेशन बनाने के लिए हम इसे फ्लैट रख देंगे। फ्रेंड, ध्यान रहे, हमें इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अब हमें जिस भी रास्ते पर ऑब्जेक्ट को रन करना है वहाँ इसे ड्रॉ करेंगे। हम इस तरह से पहला बॉल बनाएंगे, उसका पिक लेंगे और फिर इसे इरेज कर देंगे। उसके आगे के रास्ते पर हम फिर से बॉल ड्रॉ करेंगे, उसका पिक लेंगे और फिर इसे वापस इरेज कर देंगे। इस तरह हम उसके आगे के रास्ते पर बॉल ड्रॉ करते जाएंगे, उसका पिक लेंगे और उसे इरेज करते जाएंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो हमारा पिक लेने का काम पूरा हुआ। इस तरह हमने ये टोटल 7 पिक ली हैं। अब हम किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे हर एक पिक के 5 फ्रेम लेंगे। फ्रेंड्स, 1 सेकंड में 25 फ्रेम होते हैं। हम हर एक पिक के 5-5 फ्रेम लगाते जाएंगे और फिर जब इसे कंटिन्यू प्ले करेंगे तो बॉल हमें कंटिन्यू रन करती हुई दिखाई देगी। इस तरह से हम कई तरह के इंटरेस्टिंग एनिमेशन बना सकते हैं। इसे हम रिवर्स सेट कर देंगे तो बॉल हमें उछलती हुई दिखाई देगी। इसी तरह हम अगर पटाखे का ब्लास्ट का एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो हम पहले एक बम की ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी पिक लेंगे, फिर हम उसे दोबारा से बनाएंगे और उसके फ्यूज़ में आग लगता हुआ ड्रॉ करेंगे। हम उसकी पिक लेंगे, फिर उसे ड्रॉ करेंगे और इस तरह से उसे कंटिन्यू ड्रॉ करते जाएंगे और उसकी पिक लेते जाएंगे।
इन सारे पिक को जब हम 5-5 फ्रेम एक सीरीज में आपस में जोड़ देंगे तो उन्हें प्ले करने पर हमारे क्रैकर के ब्लास्ट का एनिमेशन रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड, आप भी इस LCD राइटिंग टैबलेट को 147 रुपीस में अमेजोन से खरीद सकते हैं और देख भी सकते हैं। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।